बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक साल पहले ही सियासी हलचल तेज हो गई है। एक तरफ जेडीयू और बीजेपी में तल्ख बयानबाजी देखी जा रही है, तो वहीं तेजस्वी यादव को पटना से बाहर रहने के लिए घेरा जा रहा है। उनके बारे में गलत सूचनाएं फैलाई जा रही हैं, लेकिन अब विरोधियों की बोलती बंद करने के लिए तेजस्वी यादव ने बड़ा बयान दिया है। एक रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव में एनडीए को शिकस्त देने के लिए बिहार में महागठबंधन हुआ, लेकिन जब ये महागठबंधन बेदम साबित हुआ तो सवाल उठे कि ये साथ रहेगा या टूटेगा। लेकिन हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा प्रमुख जीतन राम मांझी ने साफ कर दिया कि विधानसभा चुनाव में ये महागठबंधन साथ में ही चुनाव लड़ेगा। मगर जब से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया गया तो थोड़ी तल्खियां जरूर नजर आई। वहीं आरजेडी के जेडीयू और बीजेपी के साथ गठबंधन के कयास भी लगाए गए, लेकिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने अब साफ कर दिया है कि वो किसी भी हाल में बीजेपी और जेडीयू के साथ नहीं जा सकते। दरअसल पार्टी के अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की बैठक में उन्होंने साफ कहा कि मैं लालू प्रसाद यादव का बेटा हूँ, मनुवादी या सांप्रदायिक शक्ति से कोई समझौता नहीं कर सकता, जनादेश न मानने वालों के साथ नहीं जा सकता। तेजस्वी यादव ने कहा कि उनके 2 महीने लंबे दिल्ली प्रवास को काफी तूल दिया जा रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि वो अपनी बीमारी के कारण 2 महीने पटना से बाहर रहे। अपने आवास पर आयोजित बैठक में तेजस्वी यादव ने बीजेपी और जेडीयू पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश में बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई, आर्थिक मंदी पर बात नहीं होती है, लोगों को असल मुद्दे से भटकाया जा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग हो रहा है, लालू प्रसाद ने अपने विचार और सिद्धांत से समझौता नहीं किया। इसके साथ ही उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर निशाना साधते हुए कहा कि मेरे पिताजी ने कभी राज्य का वातावरण खराब करने वाले आरएसएस, बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद के नेताओं को बिहार आने की अनुमति नहीं दी, लेकिन आज देश में संप्रदाय विशेष के खिलाफ लोगों के मन में जहर खोला जा रहा है। आरजेडी के संगठन को मजबूत करने के लिए तेजस्वी यादव ने कहा कि समाज में जहर घोलने वालों को सत्ता से बाहर करना होगा। इसके लिए आरजेडी संगठन को मजबूत करे, संगठन को मजबूत करेंगे तो चुनाव में कोई हरा नहीं सकेगा। तेजस्वी के तल्ख तेवरों से साफ है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जेडीयू की राह कतई आसान नहीं होने वाली। डीबी लाइव की रिपोर्ट।